को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। पंजाब के आदिवासी बेटे को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। पंजाब के आदिवासी बेटे को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आदिवासी बेटे को न्याय दो। दुमका के रानेश्वर थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग आदिवासी युवती को विश्वविद्यालय ओपी थाना क्षेत्र में हत्या कर पेड़ से लटका देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर आदिवासी समाज में उबाल है। नाबालिग मजदूर युवती की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस तरह की वारदात अकेले नहीं की जा सकती है, हत्यारे के साथ कोई न कोई और है। मामले में पुलिस हत्यारे को छिपा रही है। मामले को लेकर आदिवासी समन्वय समिति के अलावा कई संगठनों ने एसपी कॉलेज के पास सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि पूरा आदिवासी समाज इस घटना से आक्रोशित है और सरकार चुप है। पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे की राशि और हत्यारे को 15 दिन में फांसी से कम मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर उग्र आंदोलन होगा और सोमवार से पूरा संथाल परगना बंद रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध के रखते हैं और दिन बाय दिन घटना घटती जा रही है, इसीलिए आज हम लोगों ने उन बेटी के लिए, उनके उन परिवारों के लिए आज हम लोगों ने सरकार से मांग करते हैं कि उन परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए मुआवजा के तौर पर, और उस परिवार से बिलोंग करे लोगों को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, और जो गुनहगार है उनको यथाशीघ्र उसको फांसी पर लटकाया जाए। और नहीं तो हम लोग कल के ही 5 तारीख को हम लोग 7 बजे से पूरे संथाल परगना में आर्थिक नाकाबंदी का और बाजार बंद का हम लोग आह्वान कर रहे हैं। जब तक उनको 15 दिन के अंदर अगर जो गुनहगार को और जितने बचे हुए और उसके गुनहगार है उन लोग सभी लोगों को यथाशीघ्र उसको अरेस्ट करके उसको फांसी के ऊपर चढ़ाया जाए, अन्यथा पूरा समाज और समाज के मूलवासी आदिवासी सारे लोग आक्रोशित हैं और पूरे हम लोग निश्चितकालीन आर्थिक नाकाबंदी के लिए बाध्य होंगे और इसके जिम्मेदार हेमंत सरकार होंगे। कल दुमका बंद रहेगा क्या? पूरा दुमका बंद नहीं, पूरा संथाल परगना कल बंद रहेगा। जो एक हैंगिंग का केस हुआ है जिसमें एक माइनर गर्ल है, वो ट्राइबल गर्ल है, उसका हैंगिंग का जो हमें सूचना मिला था उसके आधार पर तफ्तीश शुरू की गई और उसमें पता चला कि एक अक्यूज जो है इसमें शामिल है इस घटना में, और इस बाबत एक केस भी दर्ज किया गया है, और केस 300 हत्या का और पॉक्सो एक्ट और SC ST एवं रेप की केस में ये दर्ज किया गया है, और इस अभियुक्त को जिसका नाम अरमान अंसारी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ साथ आगे हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी जो एविडेंस कलेक्शन करके चार्जशीट इसमें फाइल करें। ये इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को आया है, दोनों रिलेशनशिप में आया है इन्वेस्टिगेशन में, इस संबंध में भी जो हम लोग छानबीन कर रहे हैं, और नो डाउट इसी कारण से उसको गिरफ्तार किया गया। लड़की कहाँ? श्री आमड़ा जो मुफसिल थाना अंतर्गत दिग्घी ओपी वहाँ पे है कि रिंग रोड है, उसी के पास में एक जो हत्या जो है कि जो हम लोग जो दर्ज किए हैं जो PU है जिसके लिए श्री आमड़ा का है और रहती थी अपना मौसी के घर में। न्यूज विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट।